आज हमारे पास में लिनोवो का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है योगा 703। यह लैपटॉप बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले होता है। इसमें DDR4 8GB की रैम होती है और इसमें 256GB की M.2 SSD भी लगी हुई होती है। इसकी बैटरी में 3 सेल होते हैं और 51.5 Wh की इसकी बैटरी होती है। लेकिन अब इस लैपटॉप की बैटरी में समस्या आ रही है। इसकी बैटरी 50% से ज़्यादा चार्ज नहीं हो रही है और 10 से 15 मिनट का ही बैकअप दे पाती है। कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे ही हम चार्जर हटाते हैं हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है। हमने इस लैपटॉप की बैटरी को डायग्नोस किया और पाया कि इसकी बैटरी खराब हो चुकी है और हमें इसमें नई बैटरी लगानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसमें नई बैटरी कैसे लगाते हैं। हमने इस लैपटॉप को खोल लिया है और आप देख पा रहे हैं इस लैपटॉप की ये पुरानी बैटरी है। अगर आपके लैपटॉप की बैटरी में भी कुछ भी समस्या आ रही है और आप उसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये लिनोवो की ओरिजिनल बैटरी है, लिनोवो योगा लैपटॉप में जो लगती है। अब हम इसको निकाल रहे हैं और निकालने के बाद इस बैटरी को हम लगाएंगे। ये आप देखिए, ये बैटरी बहुत ही अच्छी होती है लिनोवो की। अगर आपको अपने लैपटॉप में ओरिजिनल बैटरी लगवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो इसका कनेक्टर होता है इसको बड़े ध्यान से लगाते हैं। अगर कनेक्टर आप सही से नहीं लगा पाएंगे तो आपके बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी और बैकअप भी नहीं दे पाएगी। इसीलिए इस कनेक्टर को बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है। इसको कनेक्टर को लगाने के बाद अब हम इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। सारे स्क्रू फिट कर रहे हैं। ये देखिए कनेक्टर कैसे लगा रहे हैं। कनेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से सेफली लगाना होता है। यही इसका मेन होता है कि अगर आप कनेक्टर गलत तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे तो यह टूट भी जाएगा और बोर्ड के यहाँ से भी टूट जाता है। इसको लगाने के बाद आप देखिए कि हमने अपना लैपटॉप में ये फिट कर दिया है बैटरी, और इसको अब हम ओपन कर रहे हैं। अगर आपके लैपटॉप में भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है, जैसे कि कीबोर्ड की, स्क्रीन की, बैटरी की, चार्जर की या मदरबोर्ड की, तो आप सूरज कंप्यूटर्स को कमेंट करिए। हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।